हेलो दोस्तों हैप्पी रिपब्लिक डे आज बहत्तरवा गणतंत्र दिवस है तो आज उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों रिपब्लिक डे 2021 इस दिवस का महत्व 26 जनवरी को वर्ष 1930 में भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा करने के दिन के रूप में चुना गया था और उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन की निंदा की और पूर्ण स्वराज अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की भारत 26 जनवरी को प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस मनाता है और इस वर्ष देश अपना बहत्तरवा गणतंत्र दिवस मनाएगा जिस दिन भारत एक संप्रभु गणतंत्र राज्य बन गया था जबकि भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की लेकिन यह छब्बीस जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ और भारत एक संप्रभु राज्य बन गया इसे एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया भारत आज अपना बहत्तरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है हर साल जनवरी की छब्बीस तारीख को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसे इस मौके पर देशवासियों का हर्षोल्लास देखने लायक होता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक रंग में रंगा नजर आता है हमारे देश हमारे इस गौरवशाली गणतंत्र का भी एक इतिहास है दोस्तों कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब पहला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया दोस्तों यहां ऑप्शन है बीस जनवरी 1950 या चौबीस जनवरी 1950 को तो पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है 24 जनवरी 1950 को अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 26 जनवरी 2020 भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे राष्ट्रपति रामाफोसा दूसरा नाम है अध्यक्ष जॉयर नारो तीसरा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए गलत है इसमें ऑप्शन बी सी भी गलत है यह है अध्यक्ष चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन तीन की तरफ 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे उन्नीस की बात कर रहे हैं मुख्य अतिथि कौन थे तो यह नाम दिए गए हैं किंग जिग्मे वांगचुक दूसरा नाम है राजा नारोडोम सिहानोक तीसरा नाम है राष्ट्रपति सुकोणो तो विचार कीजिए कौन सा आंसर इसमें सही है कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन बी भी, भी गलत है राष्ट्रपति सुकर्णो सुकर्णो चौथा प्रश्न है 26 जनवरी उन्नीस को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे उन्नीस की बात हो रही है मार्शल ये जियान यिंग। दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री जियोनजी जुकोव तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री विंग विंगो कैंपमैन तो विचार कीजिए इसमें कौन कौन सा कौन सा ऑप्शन सही है तो बी और सी गलत है यहाँ है हमारा मार्शल ये जियान यंग पांचवा प्रश्न है भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है ऑप्शन ए है दो ऑप्शन बी है तीन बार तीन लोगों को या ऑप्शन सी पांच तो देखिए ऑप्शन इसमें सी सही है पांच पांच बार क्वेश्चन सिक्स है प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश से भारत में गणतंत्र दिवस परेड 2018 के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था ए ब्रुनेई बी इंडोनेशिया सी लाओस तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा है डी यानी तीनों ही कंट्रीज थी उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए ये प्रश्न सात है जिसे पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था ऑप्शन है ए मालिक गुलाम मोहम्मद मोहम्मद जहीर शाह राणा अब्दुल हमीद या उपरोक्त में से कोई नहीं तो पहला ऑप्शन इसमें सही है मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था प्रश्न नंबर आठ है 2015 भारत का गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन था 2015 की बात है तो देखिए यहां है सिंजो अब, अबे या बराक ओबामा शेख मोहम्मद बिन जायद हमारा ऑप्शन है बराक ओबामा राष्ट्रगान का समय कितना होता है यह हमें बताना है इस क्वेश्चन में चालीस सेकंड होता है नहीं होता है पचास सेकंड भी नहीं होता है बावन सेकंड इसका समय होता है तो ऑप्शन सी दसवा प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रगान के रचिता कौन है महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं तो हमारा ऑप्शन यहां रविंद्रनाथ टैगोर है तो हमारा दस पोर्सन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों ये वीडियो आप एस क्लासेस से देख रहे हैं थैंक यू आपने अगर आपकी पूरी वीडियो देखी है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।